हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर मतलब कि शुरुआत हो गई है मेरी न्यू डे न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। इसके साथ यही उम्मीद करती हूँ मैं कि आप भी अपने घर पर बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जुट गई हूँ अपने किचन के अंदर। तो मैं आज बना रही हूँ स्पेशल टाइप थोड़ा सा पालक पनीर, क्योंकि बनानी थी, मतलब कि काफ़ी दिन हो गए पालक पनीर नहीं बना था। तो मैंने कहा कुछ आयरन युक्त सब्जी हो जाएगी, मतलब कि पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो मतलब कि और पनीर के अंदर तो आपको पता है कैल्शियम की मात्रा मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा चलो आज आयरन और कैल्शियम दिया जाए मतलब कि बच्चों को, तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया। वैसे तो कढ़ी के लिए लेकर आए थे पालक। तो फ्रेंड्स, ये बना लेती हूँ, बट अपना हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको नहीं खाना है, क्योंकि वो गए थे कल मतलब कि जो मृत्यु भोज, जो आपको पता है मृत्यु भोज भोज के बारे में, तो मृत्यु भोज मतलब कि था हमारे गांव में, तो एक व्यक्ति था, तो उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका मृत्यु भोज किया गया, जो मतलब कि व्यक्ति जब मर जाता है उसका 13वां होता है, और या फिर 12वें दिन या 13वें दिन जो मतलब कि पंडितों बामनों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है उसको बोलते हैं मृत्यु भोज। तो वही मतलब कि प्रथा वर्षों से चली आ रही है। तो ये मृत्यु भोज था हमारे घर गाँव में मतलब कि कल, तो इसके कारण से हस्बैंड मतलब कि वहीं पर गए हुए थे पटना। ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जी खा कर मतलब कि उनको थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है मतलब कि, तो हस्बैंड ने बोला है थोड़ा सा मिर्च वगैरह इसमें कम यूज़ करना, कम ऐड करना। तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, बट इसमें मैंने थोड़ी सी जरा सी मैंने आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वरना मैंने ओनली इसके अंदर ग्रीन मिर्च उबाल ली थी पालक के अंदर, तो मैंने वो ही मतलब कि पीस ली है, और रेड मिर्च तो मतलब कि नाम मात्र मैंने इसमें ऐड की है। तो मतलब कि जो व्यक्ति था ना जिसका 13वां था, तो भगवान ने मतलब कि एक आपने कहावत तो सुनी होगी मतलब कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है। तो वही मतलब की बात है, उसका मतलब कि कोई भी नहीं था, वो बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग उसकी उम्र थी 65 साल और 70 साल के बीच के अंदर, तो इतना भी ज़्यादा मतलब कि बूढ़ा नहीं हुआ था, क्योंकि 60 साल के बाद मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बूढ़ा नहीं था, बट है ना उसको 60 साल के बाद मतलब कि बूढ़े में ही कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो इसीलिए फिर मतलब कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो बूढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मतलब कि वो ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता था, इसके कारण से उसकी जो फेफड़े वगैरह थे वो थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो इसके कारण उसको कई दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती करके रखा। तो मतलब था ना ये कि वो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता था, मतलब कि उसने अपनी फैमिली बहुत दिन पहले छोड़ दी, उसकी शादी मतलब कि नहीं हुई थी, तो इसके कारण से जो हमारे गांव के जैसे प्रधान बोलते हैं ना, उनके वहीं पर वो रहता था, फर्नीचर का काम किया करता था। तो इसके कारण से वो उसकी तबीयत मतलब कि ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करता था, और उसकी फैमिली वैमिली का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो मतलब बचपन से ही मतलब कि ये फर्नीचर की दुकान पे काम करता रहा होगा, फिर अपने परिवार से अलग हो गया होगा, बट पता नहीं क्या उसकी स्टोरी थी। बट इतना ध्यान है कि जब उसकी मतलब कि जो घर वालों को है कुछ खबर दी गई कि आपके भाईजन की तबीयत ख़राब है तो भी सुन लीजिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हमारा कोई भाई नहीं है, हमें कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसके कारण से भी उसका इलाज मतलब कि हमारे गांव वाले थे उन्होंने ही मिलके करवाया, और उसकी 13वीं भी थी चंदा करके मतलब कि किया गया, जो चंदा इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उससे ही किया गया। तो मेरे हस्बैंड ने भी हमारे
जो जेठ जी हैं उन्होंने भी जितना उनके हिस्से में है उतना सब नहीं दिया, तब उसका मतलब कि 13वीं कराई। तो फ्रेंड्स ये 13वीं क्या होती है, 12वीं 13वीं मतलब कि ये होता है ना, इस दिन मतलब कि धरती पे मतलब कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरता है 12-13 दिन तक रहता है, फिर मतलब कि उसी की याद में कोई भी मतलब कि ये फैमिली वाले हैं तो फैमिली वाले, नहीं तो अगर जैसे इसकी कोई फैमिली वाले नहीं थे तो मतलब गांव वालों ने इसकी अंतिम क्रिया और जो भी होता है सब किया, और उसके बाद फिर इसको जो 12वां 13वां होता है बामनों को खाना खिलाया, कन्याओं को जिमाया, तो मतलब कि इसके मतलब कि ये थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करते हुए स्वर्ग लोक को जाते हैं इस दिन। तो इसी कारण से ये 13वां किया जाता है कि इसने थोड़े से भी अगर कोई गलत किया हो, पाप वगैरह हो, तो ये बतख मतलब कि मृत्यु भोज खिला के बामनों को कन्याओं को जिमा के तो थोड़ा बहुत मतलब कि धुल जाए, ये मतलब कि प्रथा है यहाँ पर। तो इसलिए ये मृत्यु भोज उसकी आत्मा को शांति के लिए किया जाता है ताकि मतलब कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो 12वें दिन उसे मतलब ये 13वीं होती है, ब्राह्मण आते हैं और उसको मतलब कि खाने पीने को जो मतलब व्यक्ति होता है उसका निकाला जाता है, तो इसके कारण उसे मुक्ति मिल जाती है और उसके नाम से जो 13वीं होती है और जो 13वीं का फल होता है उसको मिल जाता है, तो इसके कारण से उसकी मुक्ति हो जाती है अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये यहाँ पर 13वां किया जाता है। तो भगवान मतलब कि एक कहावत मैंने आपको बताई पहले कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है ना, तो बट कैसे भी करके उसकी 13वीं हमने करवा दी है। तो फ्रेंड्स इधर मतलब कि अपना पालक पनीर बन गया था, तो पनीर को मतलब कि मैंने जैसे आपकी मर्जी है उस तरीके से मैंने काट पीट के रख दिया, मतलब कि जैसे मुझे पीस चाहिए तो उस तरीके से मैंने पीस कर लिए। फिर टमाटर प्याज लहसुन तैयार किया और एक साथ उसका मसाला फ्राई करके बना लिया, फिर कढ़ाई में तेल नहीं डाला, उसको ऐसे ही मैंने पकने दिया क्योंकि कम तेल वाला चाहिए था, क्योंकि पहले से ही हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मतलब कि हस्बैंड की तबीयत हुई थी ख़राब, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा तेल मसाला कम वाला खाना बनाया। बट उसमें मलाई तो मैंने डाली है फ्रेश क्रीम, क्योंकि जो भी पालक पनीर के अंदर मतलब एकदम बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आता है वो मतलब कि ग्रेवी के अंदर, तो ये थोड़ी सी ना क्रीम के अंदर क्रीम ऐड करने पर ही आता है। अगर क्रीम नहीं ऐड करना चाहते हैं तो मतलब कि काजू मतलब कि भर भर की एक कटोरी पीस के बिल्कुल पेस्ट बना के बढ़िया सा उसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो उससे भी मतलब कि बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स ना इसी के कारण से मैंने तेल मसाले वाली कम सब्जी बनाई और हस्बैंड की तबीयत हुई ख़राब। तो इधर फ्रेंड्स ना मैं किचन का कर लेती हूँ, तो ये सुबह का वक्त था वो शाम का वक्त था, तो ये सुबह वाला टाइम आ गया है क्योंकि वो शाम का टाइम था जो मैंने आपको बताया था, बट ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो इसलिए मैं आपसे बोल देती हूँ फिर एक बार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अब मतलब कि मैंने खाना पीना तो मैंने बना लिया है और अब मतलब कि करनी है मुझे ये बाकी का काम। तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से ही मैंने तेल मसाले वाली सब्जी ज़्यादा नहीं बनाई,
फ्रेंड्स जिसका मतलब कि कोई नहीं होता है ना उसका ईश्वर होता है, तो मतलब कि उस व्यक्ति का कोई नहीं था, तो इसलिए सब मतलब कि जितने भी गांव वाले थे वो ही उसकी फैमिली थे। तो वो मतलब कि बड़े ही का काम करता था, यानी कि फर्नीचर बनाता था। तो मैंने भी मतलब कि ना अपना गेट ना जो किचन का है वो मतलब कि बारिश होती थी जब ये टीन नहीं डली थी उसके कारण से ये गेट ख़राब हो चुका था। फिर वो उन्होंने सही किया, फर्नीचर लगाया, जब मतलब कि बिल्कुल ही नीचे से गल चुका था। तो बिल्ली थी जो किचन के अंदर एंट्री कर जाती थी और सारा सामान बिगाड़ जाती थी। तो मतलब ना इसी के कारण से फिर ना हमें वो पूरा गेट तो नहीं हटवा सकते थे क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ही ख़राब हो गया था। तो इसलिए हमने उसको बुला के फर्नीचर लगवा लिया। और भाई मतलब कि इतना अच्छा मतलब कि कारीगर था ना वो, हमारे जो दीवार हैं उनका डबल बॉक्स दीवार बनाकर गया। और भी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसने मतलब कि पूरे गांव भर में बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता था, इसलिए नाम काफ़ी अच्छा हो चुका था उसका। तो वही फर्नीचर तो मतलब कि बहुत अच्छा बनाता था वो, काफ़ी मतलब कि उससे कुछ भी बनवा लो, चाहे आप खिड़की गेट वगैरह शो केस कुछ भी बनवा सकते थे, ड्रेसिंग टेबल से लेके दीवान डबल बॉक्स यहाँ तक कि लकड़ी की गोदरेज तक वो बना देता था, इतना अच्छा कारीगर था। बट ना मतलब कि अचानक से एकदम से मतलब पूरा गांव सॉक्ट हो गया क्योंकि अच्छा वाला था। और दो दिन पहले मतलब कि सबके यहाँ पे जिसने काम करवाया उनके यहाँ पे काम करने गया, और नेक्स्ट डे मतलब कि सुनने को मिला दो दिन बाद कि वो एक्सपायर हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो मतलब कि सब मतलब कि अचानक से पता चला कि वो एक्सपायर हो गया है, तो इसकी वजह से वो सब मतलब कि एकदम गांव सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ही सोच में पड़ गया। तो मतलब कि जिसका जितना टाइम है उसको उतना ही मतलब कि जीने का सांस लेने का मौका मिलता है इस धरती पर, क्योंकि ये भी विधाता के यहाँ से लेकर आता है, जिसका जितना टाइम है उतना ही धरती पर चलेगा। रीज़न ये था मतलब कि उसकी ख़त्म होने का, आप कुछ भी बोलिए उसका इतना ही टाइम था तो वो चला गया। मतलब रीज़न ये था क्योंकि वो ज़्यादातर ड्रिंक करता था ना, तो इसलिए मतलब उसकी फेफड़े थे गुर्दे थे वो ख़राब हो चुके थे। तो इसके कारण से ना डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर नहीं कर दिया कि ये अब कोई भी चांस नहीं है इसका बचने का। तो मतलब वही फिर वो क्या था, ख़त्म हो गया और क्या, जिसकी वजह से मतलब आज उस दुनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का मेरे ब्लॉग वीडियो मतलब कि यही था। तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि जिसका कोई भी नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और हमको भी सबको मतलब कि एक नज़र से देखना चाहिए, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मतलब कि आप जितना सपोर्ट करोगे उसको भी अच्छा लगेगा, साथ में आपके ईश्वर को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो धन्यवाद बोलता है तो ईश्वर तक ये प्रार्थना जाती है। तो हमेशा मतलब कि जो निर्बल होता है उसकी मदद करनी चाहिए। तो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।